देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। जिस समय बिहार में नीतीश कुमार सत्ता संभाल रहे हैं और देश की राजधानी कोरोना महामारी के नए नए आंकड़ों पर अपना दावा ठोक रही है, उस समय हम आपसे बातचीत करेंगे पर्सनल लिबर्टी पर, निजी स्वतंत्रता पर। जी हाँ, हमारा मानना है कि यह पर्सनल लिबर्टी किसी एक की पर्सनल लिबर्टी का मसला नहीं है। दरअसल यह पूरे के पूरे जो न्यायिक प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ मामला है, यह जो राजनीतिक प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ मामला है, यह जुड़ा हुआ है आपसे, यह जुड़ा हुआ है हमसे। आइए देखते हैं आज के दौर में पर्सनल लिबर्टी यानी क्या। पर्सनल लिबर्टी, शायद आप समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी और उन्हें अंतरिम बेल देने वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। शायद आप यूं समझ सकते हैं कि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय जो सुसाइड का केस, सुसाइड के लिए मजबूर करने का केस अर्णब गोस्वामी पे चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें अंतरिम बेल के लिए जब उनके वकील पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, तब तुरंत उनको अंतरिम बेल देते हुए अदालत ने बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पर्सनल लिबर्टी है, इससे जुड़े हुए जो मसले हैं, इनके बारे में जो हाई कोर्ट है देश के, वे गंभीरता से और संवेदनशील ढंग से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें पर्सनल लिबर्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने तुरंत ही पहली सुनवाई में ही अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस को सीधे सीधे निर्देश दिया था कि वह उनके फैसले के लिए इंतजार ना करें, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। और इसके बाद हमने, आपने, पूरे देश ने, पूछता भारत ने देखा कि अर्णब गोस्वामी किस तरह से खुली कार में नारे लगाते हुए बाहर निकले, आजादी का जश्न मना। सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को जो सुनवाई हुई, आज वह मामला था कि किस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है केरल के पत्रकार सिद्दीक की, उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। आपको यहां बता दें कि 5 अक्टूबर से ये जो पत्रकार हैं, यह गिरफ्तार हैं और अभी तक इन्हें बताया नहीं गया है कि इनका आरोप क्या है। अर्णब गोस्वामी वाले मामले से बहुत फर्क है इनका मामला, निश्चित तौर पर प्रोफाइल भी फर्क है। यह एक पत्रकार हैं जो जा रहे थे उत्तर प्रदेश में हाथरस बलात्कार कांड पर रिपोर्ट करने। इन्हें बाकी 3 लोगों के साथ यह कहते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया कि वे हाथरस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। वह क्या षड्यंत्र था, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। हम बात नवंबर में कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को और खास तौर से उनकी पत्नी तक को न बात करने दी जा रही है, न संपर्क हो पा रहा है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी की नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने कहा, वह उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर रहे हैं, 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। और साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय लोग हाई कोर्ट में जा सकते थे। यह पर्सनल लिबर्टी या इस तरह से सीधे सीधे फैसला देना कि हम यहां फैसला सुना रहे हैं और वहां व्यक्ति को जमानत मिल जाए, अभी तक किसी अदालत को डॉक्टर कफील के मामले में याद नहीं आई। वही डॉक्टर कफील जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने तब गिरफ्तार किया जब वह गोरखपुर में तमाम बच्चों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए थे, या फिर पत्रकार प्रशांत कनौजिया के मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है लेकिन जमानत से मिलने के बाद जेल से छूटने में बहुत दिन लग जाते हैं। इस देश में संविधान लागू है और संविधान के मुताबिक आप और हम बराबर हैं। सिर्फ आप और हम ही नहीं, इस देश के तमाम नागरिक बराबर हैं अदालत की नजर में, कानून की नजर में,
तमाम नीतियों की नजर में हमारे और आपके बीच भेदभाव नहीं हो सकता। आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वही मेरी पर्सनल लिबर्टी है। अर्णब गोस्वामी की जो पर्सनल लिबर्टी है वही पर्सनल लिबर्टी सिद्दीक की होनी चाहिए, वही पर्सनल लिबर्टी पत्रकार प्रशांत कनौजिया की होनी चाहिए, डॉक्टर कफील की होनी चाहिए, या यूं कहें तमाम लोगों की होनी चाहिए जो पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता दिख नहीं रहा और इसके लिए बेहद जरूरी है कुणाल कामरा पर बात करना। बिल्कुल अलग ढंग की चीज कुणाल कामरा हमारे बीच लेकर आए हैं। बेहद नौजवान है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, तमाम बातों पे बहुत तीखी तीखी बात रखते हैं। और देखिए इस सारे के सारे एपिसोड में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उनके ट्वीट से अवमानना हुई है, उन्होंने अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से अंतरिम जमानत दी गई उस पर काफी तीखे ट्वीट किए, काफी तीखे विचार अपने व्यक्त रखे, जिस पर कई जो वकील हैं उन्होंने गुजारिश की कि यह कोर्ट की अवमानना है और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, वो लंबी प्रक्रिया है जो अपनाई गई। इसे देखते हुए कुणाल कामरा ने दोबारा सोशल मीडिया पर ट्वीट डाला। यह ट्वीट पढ़ने लायक है और यह बताता है कि आज का जो नौजवान है वह किस तरह से सोच समझ रहा है, अदालतों से और लोकतंत्र से किस तरह की अपेक्षा रखे हुए है। इसमें वह साफ कहते हैं कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है अदालत को, मैंने जो कहा है वह मैं मिटाने नहीं जा रहा हूं और इस पर जिस भी तरह का फैसला लेना हो अदालत को, अदालत ले सकती है, क्योंकि मेरे लिहाज से जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर अदालत को डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करना चाहिए, या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाकी लोगों की पर्सनल लिबर्टी जिस तरह से बाधित हो रही है वह अनचैलेंज्ड नहीं जानी चाहिए, यानी सवाल उठना चाहिए। और शायद आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप और हम सत्ता से सवाल उठा पाते हैं या नहीं। पर्सनल लिबर्टी की बात एक और पत्र में बेहद खूबसूरत ढंग से कही गई है, बेहद मार्मिक है वह पत्र और कम से कम पर्सनल लिबर्टी पर जितनी भी बातें चल रही हैं उन बातों के केंद्र में इस पत्र को पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। छोटा सा पत्र है जिसे जेल से लिखा है 83 साल के फादर स्टेन स्वामी ने। इन्हें गिरफ्तार किया एनआईए ने, किस आरोप में, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई उससे जोड़ते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई। बहुत से लोग इस पूरे के पूरे केस में गिरफ्तार हैं जिन पर अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर हम बात कर चुके हैं। यहां पर यह जो पत्र है यह बताता है कि किस तरह से जेल में मानवता जिंदा है। ह्यूमैनिटी इज लाइफ इज बबलिंग इन जेल, इस शीर्षक से यह पत्र सामने आया है सोशल मीडिया पे। यह पत्र उन्होंने अपने एक साथी को रांची में लिखा, उसके कुछ अंश इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस पत्र में पढ़कर बहुत सी चीजें सामने आती हैं कि जिस समय इस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसने पूरी जिंदगी झारखंड के आदिवासियों की सेवा करने में लगाई, वहां वे आश्रम चलाते हैं, तमाम तरह के अधिकारों की बात करते रहे हैं, यह व्यक्ति जो पार्किंसन बीमारी से पीड़ित हैं, इन्होंने 6 नवंबर को कोर्ट में एक दरख्वास्त दी। यह दरख्वास्त देखिए अपने आप में बड़ी अनूठी है। इन्होंने कहा कि मेरे हाथ पे हाथ कांपते हैं, मुझे पानी पीने में मुश्किल होती है, मैं कप नहीं उठा पाता हूं, इसलिए मेहरबानी करके मिलॉर्ड मुझे एक सिपर और एक स्ट्रॉ मिलने की इजाजत दी जाए ताकि मैं पानी अपने आप पी सकूं। और अदालत ने, मिलॉर्ड्स ने बखूबी अंजाम दिया पर्सनल लिबर्टी को। 6 नवंबर को अपील डाली, उन्होंने कहा 20 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी, इस मामले पर हम क्या फैसला सुनाएंगे, एनआईए कोर्ट में मामला चल रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति अपने पत्र में लिखते हैं, बताते हैं विस्तार में
कि किस तरह से वह जिंदा है जेल में। वह बताते हैं कि कितना छोटा सा एक जो सेल है जिसमें वो दो लोगों के साथ हैं, वे दो लोग किस तरह से इन्हें खाना खाने में, रात का खाना खाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे अपने हाथ से खाना खाने में असमर्थ हैं। सुबह का नाश्ता और दिन का खाना, भीमापुरे गांव मामले में बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से दो तीन लोग मदद करते हैं उन्हें नाश्ता और चाय और खाना खिलाने में। एक उनके साथी मदद करते हैं कि वे नहा सकें, और इससे वो इतने अभिभूत हैं बाकी जेल में जो अपने बाकी लोग हैं उनके साथ, वे कहते हैं कि मानवता जिंदा है, और मानवता जिंदा ही नहीं है, वह धधक रही है जेल के भीतर। यह पत्र पर्सनल लिबर्टी को नए ढंग से परिभाषित करता है, एक नई ढंग की डेफिनेशन की मांग करता है कि आखिर इस बुजुर्ग ने जो भी अपराध एनआईए की नजर में किया हो, क्या उसे एक सिपर और एक स्ट्रॉ नहीं मिल सकता? इस पे किसी अदालत को क्या तवज्जो नहीं देनी चाहिए? किसी की अंतिम यात्रा भी कितना बड़ा संदेश छोड़ जाती है, एक पॉलिटिकल संदेश छोड़ जाती है, इसकी वानगी, इसका उदाहरण कोलकाता में देखने को मिला, जब सत्यजीत रे के जो पसंदीदा कलाकार सौमित्र चटर्जी, उनका निधन हुआ, उनका जो अंतिम यात्रा निकली, जिस तरह से हजारों की संख्या में उन्हें चाहने वाले लोग सड़कों पर उतरे, किसी में भी कोई दिखावा, कोई पॉम्प एंड शो नहीं था। वे लोग इस कलाकार को बिल्कुल शिद्दत से याद करते हुए, रविंद्र संगीत गाते हुए, इस कलाकार की कविताओं को गाते हुए, उनकी फोटो और मोमबत्ती लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। सौमित्र चटर्जी को अंतिम सलाम पेश करने टीएमसी से लेकर सीपीएम के तमाम लोग शामिल हुए। एक ने कमेंट किया कि इसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग नहीं थे, और उन्हें होना भी नहीं था, क्योंकि सौमित्र एक लिबरल आर्टिस्ट थे। वे देश की विविधता में विश्वास करने वाले आर्टिस्ट थे, और उन्होंने खुलकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बोला, हस्ताक्षर किया। एक शहर, एक राज्य, एक देश अपने कलाकारों को कैसे याद करता है, कैसे उन्हें श्रद्धांजलि देता है, शायद इससे भी पता चलता है कि हम किस तरह का लोकतंत्र विकसित करना चाहते हैं और किस तरह की दुनिया देखना चाहते हैं। शुक्रिया। Thank you.